Hello friends, today I'll be talking about asthma in kids. Basically दमा की बीमारी बच्चों में भी बच्चे भी दमा की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं. दमा यानी कि आस्थमा. आजकल के सीज़न में अगर इस तरह के सिम्टम्स हों कि बच्चे को सीजनल वेरिएशन हो रही है, यानी कि सीज़न चेंज के साथ बच्चे को सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है, या फिर रात को उठना पड़ता है सांस की दिक्कत के कारण, कोई भी डस्ट वगैरह से एक्सपोजर के कारण अगर बच्चे में सांस की दिक्कत आती है, तो ऐसे बच्चों में हम, या फिर फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स को अगर दमा की शिकायत है, तो ऐसे बच्चों में अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम दमा या एस्थमा स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट करते हैं. इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए. अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे फिर उसकी वजह से फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं. और दमा का इलाज, देखिए दमा जड़ से क्योरेबल नहीं है, इट्स नॉट अ क्योरेबल डिज़ीज़, लेकिन इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है. और जो बच्चों का स्कूल एब्सेंटिज़म होता है, या फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो उनकी रुकावट आती है, वो दवाइयों से बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है. एंड धीरे धीरे करके हम दवाई की डोज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं. दूसरा जो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है इन्हेलर्स को लेकर, इन्हेलर एक बहुत ही सेफ़ रूट है दवाई देने का. जो भी दवाई हम मुंह के ज़रिए देते हैं, वो इन्हेलर से उसकी डोज़ 10 गुना ज़्यादा दवाई हमें मुंह से देनी पड़ती है. तो इन्हेलर के थ्रू वो दवाई की डोज़ बहुत कम हो जाती है, और वो दवाई सीधा जाके फेफड़ों में यानी कि लंग्स पे एक्ट करती है. तो जो उसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स जिसको बोला जाता है, यानी कि बॉडी में जो और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो नहीं देखने को मिलते विद इन्हेलर्स. तो इन्हेलर को बिल्कुल बेफिक्र होके आप जो बच्चों को ज़रूरत है उनको इन्हेलर देने चाहिए. और धीरे धीरे ये इन्हेलर के थ्रू स्टेरॉयड दिए जाते हैं ताकि उनकी लंग्स की जो लंग्स के अंदर जो रुकावट है वो ठीक हो जाए. अगर हम ये नहीं करते तो वो धीरे धीरे रास्ता, जो सांस का रास्ता है, वो सिकुड़ता जाता है. तो और दूसरा ये है कि धीरे, जैसे कि आप इन्हेलर लेने की टेक्निक जो होती है, 5 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो इन्हेलर आराम से ले सकते हैं. उनके लिए एक स्पेसर आता है, और इन्हेलर लेने की टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है. अगर उस टेक्निक से इन्हेलर ना लिया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको लगेगा कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप बच्चे को मुँह की दवाई देंगे जिसके और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बच्चे की ग्रोथ में रुकावट आती है. तो अगर आपके बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स हैं, नाइट टाइम यानी कि नॉक्टर्नल सिम्टम्स हैं, सीजनल वेरिएशन है, आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है एस्थमा की, या फिर कोई स्किन एलर्जी है, और कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि डस्ट वगैरह जिसको आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करिए. बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आइए, और अगर ज़रूरत हो, डॉक्टर को एग्ज़ामिन करने के बाद लगे कि आपके बच्चे को इन्हेलर की ज़रूरत है, तो आप वो ज़रूर दीजिए. इसमें इन्हेलर बहुत ही सेफ़ दवाई है. थैंक यू.